मेरे घर आया था और ये मेरे मित्र का लड़का है, ये तो सच्चाई है। बीइंग अ पार्टी मेंबर, ये भी हमारा एक परिवार है। तो इस नाते एक दिन घर आया, गाना गाया तो मुझे लगा रही इसकी आवाज तो बड़ी अच्छी है, क्योंकि गाना गाने वाला कोई भी अपने आप को, वो बाथरूम सिंगर ही क्यों न हो, वो अपने आप को सुपरस्टार से कम नहीं समझता। पर दुनिया क्या समझती है। फिर हमने देखा कि एक बड़ा कलाकार है इस आवाज के पीछे। अब चूंकि यहां इस समय दिल्ली के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज बैठी हैं और हमारे परिवार का मुखिया भी यहां बैठे हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों के इंपॉर्टेंट लोग बैठे हैं और यहां जिस टी सीरीज पे ये गाना रिलीज हुआ है, टी सीरीज के भी प्रतिनिधि हरीश जी हैं। हरीश जी आप एक बार मंच पे आ जाइए, आप उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। हालांकि इस स्टोरी में और भी कई स्टोरीज हैं, हरीश जी आपको धन्यवाद। हरीश जी ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे गाने का मौका दिया था 1996 में पहली बार। इनकी भी उम्र नहीं बढ़ रही है, हाँ कमी होती जा रही है। और यहाँ पे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया FFI जो आप लोग सुनते हैं, उसके इंडिया के अध्यक्ष भी यहाँ पे हैं, TP अग्रवाल साहब, आप भी एक बार आ जाइए। मुझे नहीं लगता है कि किसी एक नए कलाकार के गाना लॉन्च पे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष भी बैठे हो, और पूरे वर्ल्ड फिल्म फेडरेशन के ये वाइस प्रेसिडेंट हैं TP अग्रवाल जी, एंड ही बिलोंग्स टू दिल्ली, वो दिल्ली के रहने वाले हैं। तो ये कृष्णा को मैंने सुना था और सुनने के बाद मुझे मेरे 1140 वो टैलेंट्स याद आए जो मेरे जिंदगी में हमको मिले। आमतौर पे एक एल्बम निकलने के लिए, गाना आने के लिए देश का सारा जितना कलाकार है वो इनके पास स्ट्रगल करता है, हरीश जी के पास। ये बैठते हैं नोएडा में, लेकिन चूंकि मेरी नजर पड़ी थी, मैंने बात की, तो मुझे आप सब में से पता नहीं कितने लोग जानते हैं, हमने जब खुद हमको मौका मिला तो मुझे पता था कि किसी को एक बार प्लेटफॉर्म मिलना कितनी बड़ी बात होती है, सामान्य नहीं है। और वो भी ये गाना टी सीरीज के मेन प्लेटफॉर्म पे है। आजकल बहुत बड़े बड़े सिंगर आते हैं तो चार्ट बस्टर पे आते हैं, इसके लिए मैं हरीश जी का और भूषण कुमार जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्होंने इस लड़के के वॉयस को महत्व दिया। इसमें हमारे साथ अक्षरा सिंह ने और हमने काम किया, और इस फिल्म इसका जो गाना का म्यूजिक डायरेक्टर है वो भी यहां उपस्थित है, अजय जायसवाल जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अजय जी, अजय जी कहां हैं आप, जिन्होंने गाना म्यूजिक किया है। ये वाराणसी बेस्ड हैं और इस समय मुंबई में रहते हैं। अजय जायसवाल जी आपको बहुत बहुत बधाइयां। और इस एल्बम को जिसने प्रोड्यूस किया है वो
सुरभि तिवारी है वो भी मंच पे आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर बहुत बड़ा होता है। और हम लोग सुरभि तिवारी जी के पास स्ट्रगल करते रहते थे, तो हम लोगों को चांस मिल गया इसमें। ये सुरभि जी है। और एक व्यक्ति जो इस पूरे इस एल्बम के बनने से लेके और सारी थॉट्स को एक अच्छे पूरे सारी चीजों को इकट्ठा करके देने की जो भूमिका निभा रहे थे, उनका नाम है विष्णु मित्तल। तो विष्णु मित्तल को मैं चाहूंगा कि आप एक बार मंच पे आ जाइए। विष्णु जी जहां भी हो, और इसमें यह मत सोचिएगा कि हम कलाकारों के दो रिलेशन हैं, सुरभि जी हमारी पत्नी भी हैं और विष्णु जी कृष्णा के पिता भी हैं। लेकिन इससे अलग आपको बहुत बधाई, इनको विष्णु मित्तल को मैं बहुत विष्णु मित्तल उनकी वाइफ को कहा है आइए। कितने बार कई बच्चे का रिजल्ट आने वाला होता है तो माँ बाप चुप के बैठ जाते हैं, तो आप मंच पे आ जाओ। तो ये वो टीम है जिसने इस गाने को किया, बनाया और हमने सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज को दिया और अभी आपके सामने है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार कृष्णा के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। वैसे कृष्णा ने इसके पहले भी अपने YouTube चैनल बनाकर, क्योंकि आजकल सबके पास YouTube का एक बहुत बड़ा साधन है, उसको कोई भी अच्छा से करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन पहला ही गाना रिलीज हो रहा हो और वो गाना सीधे भूषण कुमार ने, भूषण कुमार जी के बेटे ने अपने मेन प्लेटफॉर्म से रिलीज किया, ये भी शायद एक नया इतिहास बन रहा है। और कृष्णा की आवाज इसको डिजर्व करती है, जो मेरा थॉट है। तो मैं अब इनमें आगे कुछ और कहने के लिए विष्णु जी को बुलाऊंगा, लेकिन उसके पहले हमारी मीडिया के बहुत इम्पोर्टेंट लोग यहाँ पे बैठे हैं। इतने चैनल्स के साथ एक गाना रिकॉर्ड हो रहा हो, अब ये किसकी, कौन इसके मूल में है ये तो हम नहीं बता सकते, मगर इसके लिए हम पूरी वो टीम जो पीछे तैयारी कर रही है उसको धन्यवाद दूंगा। हाँ, मुझे एक बात का संतोष है, वीरेंद्र भाई आदरणीय सिद्धार्थन जी भी बैठे हैं जो एक हमारी फैमिली है। हमने शुरू में आपसे कहा कि हमारी एक परिवार हमारा है जिसमें हम, हमारे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची होते हैं। एक परिवार होता है, दोस्तों का सर्किल बन जाता है बहुत बड़ा। और एक हमारा परिवार है जो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। तो वहां के दो दो प्रमुख लोग और भी बहुत सारे, मैं सबका नाम में नहीं जाऊंगा, सिद्धार्थन जी भी आकर के बैठे हुए हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का थॉट है, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि पार्टी खेल कूद के टैलेंट्स को भी चुने, और उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी सांस्कृतिक क्षेत्र के भी टैलेंट्स को चुने। और मेरा इतना सौभाग्य है, ये 1141वां टैलेंट मेरे लाइफ में है जिसको मैं सुना और जैसा सोचा वैसा हो गया। बाकी तो ये गाना अभी अभी रिलीज हुआ, कितना जाएगा, कितना आज दिन भर में, कितनी जल्दी ये मिलियंस टच करेगा या क्या होगा इसका जो भी आगे, ये तो हमें नहीं पता। मुझे भी, मैं पहली बार किसी दूसरे के वॉइस में एल्बम में लीड कास्ट हुआ हूँ, ये मेरे लिए पहली बार हुआ है। और मैंने ऐसे ही
एक दिन एक लड़के को चुना था जिसका नाम है मोहन राठौर, वो गाजीपुर का है, आजकल वो बहुत सुपरस्टार है बड़ा। उसके पिताजी कपड़ा बेचते थे अपने सर पे लेके, मैसूर संग्राम करता था और ऑडिशन करके लाया था। आज वो लड़का बहुत अच्छा कर रहा है। एक आलोक कुमार था, अभी आज वो मैक्सिमम जो है भोजपुरी फिल्म्स का प्लेबैक होता है वो दोनों करते हैं। प्रियंका सिंह एक लड़की है जो इन सब लोगों को, ये उसे 1140 में है। और एक लड़का तो जो मैंने, मैं मुझे कहते हुए भी आपको अजीब लगता है क्योंकि मैं इसके लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया नहीं। एक लड़का हम गांव से उत्तर प्रदेश के उन्नाव से चुन के लाए थे और उसको ऑस्कर मिल गया है, नाटू नाटू गाना का हिंदी वर्जन, वही विशाल मिश्रा गाया है। तो अभी बात सोचिए तो कैसा लगता है, कई लोगों को लगेगा कहीं देर तो नहीं रहा है, लेकिन ये हो गया लाइफ में। वो भारत की शान एक शो आता था DD1 पे, उसको गजेंद्र सिंह करते थे और उसके लिए हम लोग ऑडिशन करने जाते थे। अभी मैं अगले महीने फिर से एक शो शुरू कर रहा हूं, तो उन्हीं में से आज मुझे एक कृष्णा भी मिला है जो आया है, रिलीज हुआ है। आई डोंट नो व्हाट इज द लिमिट ऑफ दैट स्काई जहां ये जा रहे हैं, लेकिन मैं, मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने, देखो माता पिता तो सब माता पिता अपने बच्चे को कुछ होते देखना चाहते हैं, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा कि विष्णु और उनकी वाइफ सीमा, विष्णु और सीमा, ये तो सीमा के पिताजी भी आए हुए हैं, परिवार आए हुए, आपके पिताजी भी आए, अरे विष्णु, अच्छा विष्णु के बड़े भाई, विष्णु के पिताजी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये सब तो बाद में समीक्षा होती रहेगी, लेकिन मैं विष्णु जी को ही बुलाता हूं कि आप आइए और अपनी फीलिंग शेयर करें।